बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा सब्जेक्ट है गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम देखेंगे TAS स्कैनिंग, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। इसके प्लेन्स देखेंगे कि इमेज डिस्प्ले किस प्लेन में होती है। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में बेसिकली ट्रांसवर्स एंड सेजिटल प्लेन में होती है। TAS में पेशेंट प्रिपरेशन क्या करवाई जाती है। TAS एंड TVS, TAS ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी एंड TVS ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, इसमें डिफरेंस क्या है। TAS की लिमिटेशंस देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पेल्विक सोनोग्राफी करने के लिए उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। स्कैनिंग प्लेन्स क्या होते हैं। इसके ओरिएंटेशंस ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कौन कौन सी ओरिएंटेशंस हैं। एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स यूट्रस, रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस, एंटीवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस, रेट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्स यूट्रस, ये हम आगे पढ़ेंगे। गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, बेसिकली गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिसमें हम पेल्विक ऑर्गन देखते हैं फीमेल के, जिसमें आते हैं स्पेशली द यूट्रस, द ओवरीज एंड द फ्लोपियन ट्यूब्स। और बेसिकली अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लैडर, एडनेक्सा एंड द पाउच ऑफ डगलस भी देखते हैं। इंडिकेशंस ऑफ गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड, इंडिकेशंस क्या हैं गायनाकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड की। PV ब्लीडिंग, डिस्चार्ज ब्लीडिंग का होना, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग का होना, पॉलीमेनोरेजिया, 21 डेज से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो जाना, मेनोमेटोरेजिया, एक्सेस इरेगुलर ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग का ज़्यादा और इरेगुलर होना, एमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिल्कुल एब्सेंट हो जाना, ओलिगोमेनोरिया 1 ईयर में 6 to 7 टाइम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, पेल्विक पेन, पेल्विक में बहुत ज़्यादा पेन होना, डायस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेस होना बहुत, यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर, कैंसर हो जाना ओवरीज या यूट्राइन में, पाल्पेबल लंप कोई मैस टाइप बन जाना, इनफर्टिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले हम ये देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्यों है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है। प्राइमरी बेसिकली अगर शादी के बाद वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हुई, फर्स्ट चाइल्ड नहीं हुआ, तो उसे हम प्राइमरी कहते हैं। और अगर सेकेंडरी जो है उसमें एक बेबी हो गया या दो हो गए उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसमें एनोमलीज देखेंगे, पिछली एबनॉर्मेलिटीज़ देखेंगे, डिलाइड मेंसेस या वजाइनल ब्लीडिंग का देखेंगे, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग देखेंगे, एंडोक्राइन की एबनॉर्मेलिटीज़ देखेंगे कि कोई ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं बन गई। सिम्टम्स क्या हैं, पेल्विक इन्फेक्शन, IUCD लोकलाइजेशन। IUCD बेसिकली क्या है, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ की जाती है, ये इंसर्ट की जाती है, गाइडेंस व इंटरवेंशनल और सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए ये इंसर्ट की जाती है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, पेल्विक ऑर्गन का स्लिप हो जाना। रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का बेसिकली रोल क्या है। टू एग्जामाइन द यूट्रस, यूट्रस को देखना, ओवरीज, सर्विक्स, वजाइना एंड एडनेक्सा के इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई मैस तो नहीं बन गया, कोई सिस्ट तो नहीं बन गई, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, एब्सेंस एडिमा तो नहीं है, कोई सॉलिड टाइप चीज़ या कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही। गाइडेंस क्या है इसकी, इंजेक्शन, एस्पिरेशंस और बायोप्सी, असिस्टेंट विथ IVF। IVF का मतलब क्या है, इंट्राविट्रो इन विट्रो फर्टिलिटी। बेसिकली ये एक मेच्योर एग को किया जाता है और स्पर्म्स लेके उसको लैब में फर्टाइल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलिटी आर्टिफिशियल तरीके से। टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप देखी जाती है कि इस पैथोलॉजीज क्या हैं, एनाटॉमी में कौन कौन सी डिजीज़ नज़र आ रही हैं, टेक्निक्स क्या हैं पेल्विक सोनोग्राफी की, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, एंडोवजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस रेक्टल सोनोग्राफी, एंडोल्यूमिनल सोना, हिस्टीरोग्राफी, हिस्टीरोसेल्पिंग और कंट्रास्ट सोनोग्राफी। ये बेसिकली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो बहुत यूज़ की जाती हैं। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी देखते हैं, जिसे हम ट्रांस वेसिकल सोनोग्राफी भी कहते हैं, और ये क्वालिफाइड सोनोग्राफर्स, सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। TAS पेल्विक स्टडी है, जिसमें हम पेशेंट को सुपाइन सीधी पोजीशन में लेटाते हैं, रिकम्बर्ड पोजीशन साइड पे भी करते हैं, साइड वाली ओवरीज या लेफ्ट कोई चीज़ देखने के लिए, डिकोपिटस पोजीशन इन सम सिचुएशंस, और डिक्यूपिटस पोजीशन में भी लेटाते हैं।
ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स या प्रॉप भी कहते हैं इसको, जेल लगाकर और फिर ये टेक्निक की जाती है। पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, स्कैन से पहले पेशेंट को पानी पिलाना चाहिए, ए 1 लीटर ऑफ वाटर के पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाए और उसके बाद स्कैन किया जाए। इससे ये होता है कि पेशेंट की इमेज जो है वो बहुत क्लियर आती है और सब चीज़ों का अच्छी तरह पता चलता है, कोई गैस वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से इमेज बहुत क्लियर आती है। इफ़ पॉसिबल स्कैन अगर हो सके तो पेशेंट का स्केल 10 डेज ऑफ द साइकिल में किया जाए ताकि इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, इसमें एंडोमेट्रियम और ओवरीज का अच्छा रिजल्ट आना या उसका ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम तब थिक होती है। पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए फॉर अ कम्प्लीट टीईएस, उसका यूरिनरी जैसे हम डिस्कस किया, यूरिनरी ब्लैडर फिल होना चाहिए, स्मॉल बाउल फ्रॉम द फील्ड, जिससे कोई भी गैस वगैरह इमेज को ख़राब ना करे, कोई व्यू को ख़राब ना करें या सब क्यूटेनियस फैट कोई ना आए। एंड ऑप्टिमल डिस्टेंडेड ब्लैडर हैज एन इरेगुलर शेप, इसका हम एंगुलर शेप देखते हैं, जिससे हम अगर इसे हम सुपर सेजिटल प्लान में करते हैं तो फंडस, सर्विक्स और बॉडी सब कुछ नज़र आता है। और ये भी देखते हैं कि यूट्रस एंटीवर्टिड है या रेट्रोवर्टिड है, एंटीफ्लेक्स्ड है या जो भी है। ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर देखते हैं कि ये अपीयर राउंड आ रहा है, इक्विपमेंट फॉर ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोचेज, हमने ये भी माइंड में रखना होता है कि पेशेंट की फिजिक के मुताबिक हमने अल्ट्रासाउंड करना होता है, जिसमें हम अगर पेशेंट की फिजिक अगर वो स्लिम है स्मार्ट है तो उस पर हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखने के लिए, और अगर पेशेंट थोड़ा फैटी है हेल्दी है तो उस पर हम लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं ताकि डीप रेज जाएँ और हम अंदर डीप स्ट्रक्चर देख सकें। दिस विल बी बिटवीन जो होता है 2 to 7 MHz रेंज होती है और कर्व लीनियर अरे जो प्रॉब है, और अक्सर कलर ड्रॉपलर अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो भी यूज़ किया जाता है। स्कैनिंग टेक्निक्स क्या हैं, जर्नलाइज्ड जिसमें हम सर्विक्स, यूट्रस और ओवरीज को देखते हैं, चेक फॉर द ओरिएंटेशन ये देखते हैं कि यूट्रस जो बताया एंट्रीवर्टिड है या रेट्रोवर्टिड है, यूट्रस की साइज और शेप देखते हैं, मायोमेट्रियम को चेक करते हैं, एक्सेस द एंडोमेट्रियम स्टेटस एंड मेजर द थिकनेस, एंडोमेट्रियल की स्टेटस देखते हैं कि वो कितनी थिक है, अगर वो पीरियड से पहले हम देखेंगे लेस देन 10 mm है और पीरियड्स के बाद 4 to 6 mm है लेस देन, तो मेनोपॉजल HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए। एक्सेस द सर्विस को देखते हैं, पाउच ऑफ डगलस को देखते हैं, उसका फ्लूइड देखते हैं, ओवरीज और नेक्सा और ब्लैडर को चेक करते हैं। सेजिटल व्यू क्या है, स्कैन सेजिटल व्यू जिसे हम हॉरिजॉन्टल व्यू भी कहते हैं, इन द मिड लाइन इमिडिएटली अबव द प्यूबस, जिसमें हम ब्लैडर को देखते हैं जो फुल नज़र आता है। अगर हम 12 o'clock से 9 o'clock पर लेके जाते हैं तो इससे हमें पूरा नज़र आता है फंडस, बॉडी और यूट्रस। इन दिस प्लान हम यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स सब कुछ देख सकते हैं और इसे जूम करके इमेज को हम एंडोमेट्रियल थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फंडस है, बॉडी एंड सर्विक्स है, ये एंट्रीवर्टिड रेट्रोवर्टिड की इमेजेस हैं, ये यूट्रस यह देख सकते हैं, ये है ये फंडस है, यहाँ से बॉडी एंड सर्विक्स ये भी आप देख सकते हैं। ट्रांसवर्स व्यू, रोटेट इनटू ट्रांसवर्स एंड एंगल स्लाइडली, हमने एंगल उसका स्लाइडली लेना, हमने जब प्रॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने उसे उठाना नहीं है, इससे इमेज ख़राब हो सकता है, हमने वहीं से जो भी एरिया देखना है हमने वहीं से कंप्रेस करके उसे वहीं से स्लाइड करना है और उसको स्लाइडली राइट, अगर राइट ओवरी देखनी है हमने तो राइट पे हम करेंगे, अगर लेफ़्ट देखनी है तो लेफ़्ट पे करेंगे, और इस बात का ख्याल रखना है कि फुल ब्लैडर होना चाहिए ताकि एक्वास्टिक विंडोज़ इमेज डिस्प्ले ख़राब ना करें। एग्जामिन द ओवरी, इसको दोनों ओवरीज को चेक करते हैं, पहले राइट ओवरी या लेफ़्ट ओवरी, दोनों ओवरीज को चेक करते हैं और मेजर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये राइट ओवरी है, ये लेफ़्ट ओवरी है, ये यूट्रस है,
एमाइमेट्रियम। स्कैनिंग प्लान्स, इसके स्कैनिंग प्लान्स क्या हैं? TAS इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन सेजिटल। बेसिकली जो ये पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये सेजिटल और ट्रांसवर्स प्लान में इसे किया जाता है, और इसका एंगल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इसे कहा जाता है। सेजिटल को सेजिटल या हॉरिजॉन्टल प्लान, ट्रांसवर्स या वर्टिकल प्लान। ट्रांसड्यूसर्स मैनिपुलेशन क्या होती हैं, किस तरह से इसे किया जाता है? स्लाइडिंग जो प्रॉब है इसे मूव किया जाता है विंडो ऑन टू मूव इन डिफरेंट एरिया पे से मूव किया जाता है पेल्विक और डोमिन में किसी भी डायरेक्शन में। रॉकिंग क्या होता है? सेक्शन अलाउ सेंटरिंग ऑफ ऑन ऑर्गन, एक ही जगह पर कंप्रेस किया जाता है ताकि हम जिस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, अगर हमने यूटरस ओवरीज जो भी देखनी है तो हम कंप्रेस करके उसी एरिया को फोकस करेंगे, और ट्रांसड्यूसर इसमें मूव नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसड्यूसर्स मूवमेंट, ये स्लाइडिंग है, हम किसी भी तरफ कर सकते हैं, ये रोटेटिंग है, हम इसे वहीं से रोटेट करते हैं 9 to 12 o'clock। टिल्टिंग, साइड टू साइड मूव करना, रॉकिंग कंप्रेस करना। ट्रांसड्यूसर्स मैनिपुलेशंस क्या हैं? टिल्टिंग और एंगुलिंग द ट्रांसड्यूसर्स फ्रॉम साइड टू साइड। ट्रांसड्यूसर्स का देखना कि वो सेम एक्सिस में है विदाउट स्लाइडिंग द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर को नहीं उठाना, और वहीं पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर फोकस करना है। रोटेटिंग 12 to 9 o'clock जो मैंने डिस्कस किया, इट प्रोवाइड्स ऑब्लिक प्लान्स, जिसमें हम सेजिटल अगर ट्रांसफर्स हम देख रहे हैं तो हमने वहीं से 12 to 9 o'clock पर करना है जो सेजिटल हो जाएगा, जिसमें हम फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स क्लियरली देख सकते हैं। लॉन्ग एक्सिस में ये भी आप देख सकते हैं टिल्टिंग, रोटेटिंग, स्लाइडिंग। ट्रांसड्यूसर्स मैनिपुलेशन, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? फॉर नॉर्मल स्कैनिंग जो है ट्रांसड्यूसर को थोड़ा कंप्रेस किया जाता है कि एक लिटिल फिंगर आपने ट्रांसड्यूसर के साथ, बॉडी के साथ टच करनी होती है ताकि आपको पता चले कि पेशेंट जो है डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, ज़्यादा कंप्रेस तो नहीं हो रहा, एक ये टेक्निक होती है। और ट्रांसड्यूसर से जो प्रेशर है, टिश्यू रिस्पॉन्सेज, कंप्रेस एडिपोज टिश्यूज, गैसेस का आगे आ जाना, इस वजह से कंप्रेस करते हैं कि इमेज बिल्कुल क्लियर आए। ये ब्लैडर है, आप देख सकते हैं एकॉस्टिक ब्लैक ब्लैडर है। अगर ये फुल होगा तो ये ब्लैक नज़र आएगा, और अगर ये फुल नहीं होगा तो ये वाइट नज़र आएगा। ब्लैडर, ये यूट्रस, ये राइट ओवरी, ये लेफ्ट ओवरी, और ये फॉलिकल्स, ये देख सकते हैं ये ब्लडर फुल है। ये भी इमेज डिस्प्ले कैसे होता है? ट्रांसड्यूसर्स फुल पॉइंट्स इज सीन एट द टॉप ऑफ द इमेज। इसको किस तरह से हम चेक करते हैं? इसके फोर डायरेक्शंस होते हैं सेजिटल के। पहले सेजिटल के हम देख लेते हैं। सेजिटल इमेज के फोर डायरेक्शंस हैं, एंटीरियर ऊपर की तरफ टॉप ऑफ द इमेज, पोस्टीरियर बॉटम ऑफ द इमेज, क्रैनली राइट साइड ऑफ द इमेज, कॉर्डल लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। इमेज डिस्प्ले फोर डायरेक्शंस इन ट्रांसफर्स TAS इमेज आर। अब ट्रांसफर्स के हम डायरेक्शंस देखते हैं, एंटीरियर टॉप ऑफ द इमेज, पोस्टीरियर बॉटम ऑफ द इमेज, पेशेंट राइट साइड। अगर हम पेशेंट की राइट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर जाएगी, और जो पेशेंट की राइट लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो राइट साइड पर इमेज जाएगी, हम देख सकते हैं। सोनोहिस्टेरोग्राफी को स्लाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्टेरोग्राफी भी कहते हैं, जो एंडोमेट्रियल और सबम्यूकस एबनॉर्मलिटी को देखता है, और ये पास्ट होता है एंडोसर्वाइकल कैनाल इनटू द सर यूट्रस अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। इसमें हम आउटलाइन करते हैं एबनॉर्मलिटीज, इंट्रा कैविट्री कंपोनेंट्स। कॉन्ट्रिकेशंस टू SIS, सोना हिस्टेरोग्राफी, SIS जिसे कहते हैं स्लाइन इन्फ्यूजन हिस्टेरोग्राफी। पेल्विक ऑर्गन्स इन्फ्लेमेशन, कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, प्रेगनेंसी एक्टिव या कुछ भी। थैंक यू।